हेलो दोस्तों, अभी अभी मौसम विभाग की मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदलने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक एक करके मध्य प्रदेश के सभी जिलों की मौसम की जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के चले गए तो आप अपने यहाँ की मौसम की जानकारी बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। वही दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। फिर दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश में कहाँ पर रहते हैं, यानी कि कौन से जिले, गाँव या शहर में रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आप भी भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर, शिवपुर, मुरैना, भिंड, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, रीवा, सतना, सिंधी और सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोहा, पन्ना, सागर, निवाड़ी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, आगरा, मालवा, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, इन जिलों में से अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, अभी भी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में इन दिनों तेजी से मौसम बदल रहा है, जिसके चलते दिन और रात के तापमान बढ़ोतरी होने लगी है। और दोस्तों, इसी का कारण है हरियाणा और उससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर एक ऊपरी हवाओं का चक्रवात बना हुआ है। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस महीने जो है 1-7-3 सिस्टम बनने के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और कुछ जगहों पर कड़ाके की ठंड भी देखने को मिल रही है। वही दोस्तों, आपको बता दूं, कई जगहों पर जो है मौसम विभाग की मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पश्चिमी जिलों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे गिरावट में होगा, क्योंकि दोस्तों उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जो है ठंडी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में काफी ज्यादा इसकी ठंडक पहुंचने वाली है। और पूर्वी जिलों के तापमान में भी दोस्तों लगभग जो धीरे धीरे थोड़ी सी कमी आएगी और सुबह और रात तापमान में जो है भारी जो है कमी देखने को मिलेगी, जिससे सर्दी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और मौसम विभाग की मिली जानकारी के मुताबिक इस सप्ताह भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर, सतना, रीवा, खजुरा, ग्वालियर, गुना समेत समूचे मध्य प्रदेश में जो है मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहने की संभावना है। और सुबह और रात में धुंध या फिर कुहासा जो है काफी ज्यादा कोहरा रहता है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का धुआं वो देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों दिन में जो है धूप काफी ज्यादा जो है चलते मौसम काफी ज्यादा खुशनुमा होने वाला है। और इंदौर में न्यूनतम तापमान सबसे ज्यादा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक जो है 17.2 डिग्री के करीब सेल्सियस रहा हुआ। यहाँ पर दोस्तों जो है 5.5 डिग्री पर जो है तापमान चढ़ा था, और जबकि ग्वालियर में सामान्य से 1 डिग्री कम 8.1 तापमान रिकॉर्ड किया गया था। वही दोस्तों, बताया जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा मौसम बदलेगा। और बताया जा रहा है कि दोस्तों कई जगहों पर जो है राजधानी भोपाल में भी जो है काफी ज्यादा ठिठुरने वाली जो है ठंडक पड़ने लग गई। और बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा जगहों पर जो है घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे लोग, क्योंकि काफी ज्यादा ठंडी का एहसास होने लग गया है। वही दोस्तों, जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पश्चिमी जिलों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे गिरावट जो है देखने को मिल रही है, और उत्तर भारत के पहाड़ों में ठंडी हवाएं जो है मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में पहुंचेगी। पूर्वी जिलों के तापमान में भी दोस्तों जो है काफी ज्यादा धीरे धीरे कमी आएगी, तथा बताया जा रहा है कि रात में सर्दी बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद और जबलपुर, सतना, रीवा, खजुरा, ग्वालियर समेत कई जगहों पर जो है कई जगहों पर मौसम बदलाव देखने को मिलेगा, और कुछ जगहों पर जो है भारी शुष्क और कई जगहों पर भारी ठंड भी देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है एक सप्ताह तक का काफी ज्यादा मौसम में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। और बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा जगहों पर दोस्तों जो है धूप खिलेगी और काफी ज्यादा जगहों पर भारी ठंड जो है देखने को मिलना लीजिए। हाँ दोस्तों, कई जगहों पर जो भारी ठंड रह सकती है। और अभी भी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक दोस्तों बताया जा रहा है कि बादलों के जो है काफी ज्यादा जगहों पर मौसम मिजाज बदल गया है बादलों की वजह से, और न्यूनतम तापमान में भी काफी ज्यादा जगहों पर जो है उछाल आया, और कई जगहों पर भारी गिरावट भी आई है, और कई जगहों पर हल्की धुंध भी देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि अगले 1-2 सप्ताह के दौरान जो है मध्य प्रदेश में भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। अभी की बात करें दोस्तों, अशोकनगर में 26 डिग्री के करीब जो है काफी ज्यादा बादल छाए और काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। और वही दोस्तों, इंदौर की बात करें तो आज जो है 26 के करीब तापमान हाईएस्ट गया, लेकिन दोस्तों धूप भी काफी ज्यादा देखने को मिली और कई जगहों पर बादलों की आवाजाही रही। उज्जैन में भी दोस्तों जो है आज काफी ज्यादा धूप रही, लेकिन दोस्तों अगले 2-3 दिनों के दौरान उज्जैन में भी भारी ठंड देखने को मिलने वाली है। गुना की बात करें तो आज मौसम पूरी तरह से साफ रहा और कई जगहों पर धूप रही, लेकिन दोस्तों तापमान भी जो है लगभग 27-28 करीब तक जो है दोपहर को समय चला गया था, लेकिन दोस्तों रात के समय फिर जो है तापमान गिरेगा, जिससे काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है। ग्वालियर की बात करें दोस्तों, ग्वालियर में भी दोपहर को पूरी तरह से मौसम साफ और शुष्क था। छतरपुर में दोस्तों बादल छाए थे और 25 के करीब तापमान था, कुछ जगहों पर काफी ठंड पड़ रही थी। और छिंदवाड़ा की बात करें दोस्तों, छिंदवाड़ा में बादल छाए हुए थे, कई जगहों पर ठंड थी, लेकिन तापमान जो है 27 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा था। जबलपुर की बात करें दोस्तों, जबलपुर में जो है भारी ठंड का प्रकोप देखने को मिला, कई जगहों पर जो है भारी जो है हमें ठंडी देखने को मिली और 23 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा था। दतिया के दोस्तों काफी ज्यादा जगहों पर जो है दतिया में भारी जो है बादल छाए और आवाजाही देखने को मिल रही थी, लेकिन दोस्तों बादलों की आवाजाही के साथ कई जगहों पर 26 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा। और दमोह की बात करें दोस्तों, दमोह में भी जो है 26 के करीब तापमान था, कई जगहों पर भारी ठंड थी। देवास की बात करें दोस्तों, 27 के करीब तापमान था और 27 के साथ साथ जो है कई जगहों पर भारी बादलों की आवाजाही रही। और धार की बात करें दोस्तों, लगभग 28 के करीब जो है धार में हमें तापमान देखने को मिला और काफी ज्यादा जगहों पर ठंड देखने को मिली। बालाघाट की बात करें दोस्तों, 28 के करीब तापमान रिकॉर्ड था और मध्य प्रदेश के बालाघाट में काफी ज्यादा जगहों पर जो है बादलों की आवाजाही के साथ अगले 24-48 घंटों के दौरान भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। और बुरहानपुर की बात करें तो काफी ज्यादा सबसे ज्यादा तापमान जो है रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन दोस्तों अभी ठंड भी काफी ज्यादा बुरहानपुर में रात के समय देखने को मिलने वाली है। बैतूल की बात करें दोस्तों, आज रात को जो है काफी ज्यादा ठंड पड़ेगी बैतूल में और कई जगहों पर जो छिटपुट बारिश भी हो सकती है। और भिंड में भी दोस्तों काफी ज्यादा जगहों पर जो तापमान में भारी गिरावट आएगी और काफी ज्यादा सुबह के समय जो कोहरा देखने को मिल सकता है।
वही दोस्तों भोपाल की बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान भोपाल में काफी ज्यादा जगहों पर मौसम साफ रहेगा और कई जगहों पर ठंड भी देखने को मिलेगी। और रतलाम की बात करें दोस्तों 28 के करीब तापमान था, फिर भी दोस्तों काफी बादलों की आवाजाई और काफी ज्यादा जगहों पर कोहरा और सुबह के समय भारी ठंड देखने को मिली। सतना और सागर में दोस्तों जो है 26 और 25 के करीब तापमान देखा गया, लेकिन मौसम जो है कई जगहों पर उतार चढ़ाव देखने को मिला। इन जगहों पर कई गांवों में जो है भारी जो है ठंड देखी गई और कई जगहों पर दोस्तों काफी ज्यादा रात के समय जो है पूरी तरह से जो है सर्दी का मौसम आ गया और कई जगहों पर भारी से भारी ठंड हमें देखने को मिली। वही दोस्तों आपको बता दूं उज्जैन देवास होशंगाबाद में भी भारी ठंड का प्रकोप देखने को मिला और बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है रुक रुक कर बादलों की आवाजाही के साथ कई जगहों पर ठंड देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों आपको बता दूं मौसम विभाग की मिली जानकारी के मुताबिक ग्वालियर में दोस्तों जो है कई जगहों पर धूप और बादल की जो है काफी ज्यादा जो है आंख मिचौली देखने को मिलने वाली है और बताया जा रहा है कि बादलों की आवाजाही के साथ जो है ग्वालियर में भी कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश और कुछ जगहों पर भारी ठंड रह सकती है। और बताया जा रहा है कि बीते 2 दिन से बड़े बदलाव आए हैं और बताया जा रहा है कि तापमान में जो है काफी ज्यादा गिरावट भी आ गई है। और बताया जा रहा है मौसम विभाग की मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ थोड़ा कमजोर पड़ने से जो है कश्मीर में बना पश्चिम विक्षोभ थोड़ा कमजोर हो गया, जिसकी वजह से दोस्तों बताया जा रहा है काफी ज्यादा जगहों पर ठंडी हवाएं चल रही है। जी हाँ दोस्तों आपको पता होगा काफी ज्यादा जो है पहाड़ों के यहाँ पर बर्फबारी होने की वजह से जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार इन साइड में काफी ज्यादा ठंड बढ़ी थी, लेकिन दोस्तों अब थोड़ी सी कमी आई। लेकिन कई जगहों पर तो अगले 24-48 घंटों में भारी जो है ठिठुरने वाली जो है सर्दी पड़ सकती है। भारत में दोस्तों जो है काफी ज्यादा जगहों पर जो है भारी ठंड पड़ने लगी है और बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो मध्य प्रदेश में भी भारी से भारी जो है ठंड पड़ने लग जाएगी। दोस्तों अगर आपके यहाँ पर अभी तक ठंड नहीं पड़ी तो मैं आपको बता दूं 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है भारी ठंड का प्रकोप देखने को मिलने वाला है। वही दोस्तों बताया जा रहा है कि न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे जो है गिरावट होने लग गई, यानी कि दोस्तों अब धीरे धीरे गिरावट होने लग गई। और आपको बता दूं कई जगहों पर जो है भारी से भारी ठंड का प्रकोप जो है और सर्दी बढ़ जाएगी और सुबह और रात के समय तो काफी ज्यादा ठंड रहेगी, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, इतनी ज्यादा ठंड जो है हमें अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। और बताया जा रहा है कि दोस्तों इस सप्ताह भोपाल इंदौर उज्जैन देवास होशंगाबाद जबलपुर सतना और साथ में रीवा खजुरा ग्वालियर गुना समेत कई जगहों पर मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क और कई जगहों पर साफ रहेगा और कई जगहों पर जो है भारी ठंड भी देखने को मिल सकती है। और सुबह में दोस्तों रात में धुंध का कुहासा दिखाई देने वाला है और लेकिन दोस्तों दिन में जो है काफी ज्यादा धूप भी खिलने वाली है और बहुत ही ज्यादा जो है मौसम ठंडा और सुहावना रह जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना आपके यहाँ पर अभी मौसम कैसा है, कितनी ठंड पड़ रही है कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों बता दूं आपको दक्षिण भारत में कई जगहों पर जो है काफी मौसम में बदलाव हुआ था, जिसका असर जो है कई जगहों पर देखने को मिला था। और दोस्तों पिछले 2 दिनों से जो है काफी ज्यादा हल्की से मध्यम जो है तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन अब जो है कई जगहों पर जो है भारी ठंड में भी तब्दील हो गया है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि जो है अगले 1 सप्ताह तक जो है भारी ठंड का प्रकोप रहेगा और पश्चिमी जिलों में न्यूनतम तापमान अब धीरे धीरे गिरावट की तरफ जा रहा है, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों में जो है काफी ज्यादा ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों पर पहुंचेगी। जी हाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि उत्तर भारत के जो है पहाड़ों से जो है ठंडी हवाएं चलकर सीधे मध्य प्रदेश के कई जगहों पर जो है कई जिलों में पहुंचने वाली, जिसकी वजह से भारी ठंड का प्रकोप रहेगा और पूर्वी जिलों के भी तापमान में जो है लगभग धीरे धीरे कमी आने लगेगी और भारी ठंड बढ़ जाएगी। और दोस्तों बताया जा रहा है कि जो उज्जैन में मौसम बदलने वाला है, साथ में इंदौर में देवास में होशंगाबाद में जबलपुर में और साथ में सतना रीवा खजुरा ग्वालियर गुना समेत कई जगहों पर समुच्चय मध्य प्रदेश में पूरी तरह से मौसम बदलता नजर आने वाला है। और सुबह और रात के तापमान में दोस्तों भारी से भारी गिरावट आने वाली है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके यहाँ पर सुबह के समय कितनी ठंड पड़ रही है और रात के समय कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों क्योंकि कई जगहों पर जो है मध्य प्रदेश में कोहरा काफी ज्यादा बढ़ने लगे और गांवों की तरफ तो दोस्तों भारी जो है काफी ज्यादा खेतों के साइड में काफी ज्यादा ठंड रहने की वजह से भारी ठंड का प्रकोप जो है और ओस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश का मौसम। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप कहाँ पर रहते कमेंट करके जरूर बताना।